केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी में संघर्ष के हालात हैं। योगेश वर्मा को जहां बीते दिवस वापस लखनऊ बुला लिया गया है, वहीं आज अतुल प्रधान ने इन सब अटकलों के बीच अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा ही संघर्ष किया है और इस लोकसभा चुनाव में जो मेन मुद्दा रहेगा वह बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी का होगा। बाहरी से उनका इशारा सीधे सीधे अरुण गोविल से है। उनका यह भी कहना है कि अरुण गोविल को भाजपा के तमाम पदाधिकारी ही और कार्यकर्ता भी हराने की जुगत में लगे हुए हैं, जो कि उनके लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। आज नामांकन से पूर्व काफी जद्दोजहद इस बात को लेकर के हुई कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता उनके साथ पहुंचे थे वह भी अंदर प्रवेश करें, जबकि जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था की थी कि केवल 5 लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। अंत में वो केवल 5 लोगों के साथ ही गए और नामांकन दाखिल किया। उसके बाद पत्रकारों से बात की। देखिए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पार्टी तय करती है किसका टिकट होगा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने हमें मौका दिया है। हमारा सीधा कहना ये है कि ये संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हम लोगों को दिया है, उस संविधान की रक्षा करने का अधिकार हम लोगों का है और हम लोगों का कर्तव्य बनता है। हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान से ये ऐसी जुल्मी सरकार जो हमारे आदिवासियों पर, हमारे दलित भाइयों पर और इसके साथ साथ हमारे मुस्लिम भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम निश्चित रूप से संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। आने वाले समय पर कैसे वो ये केंद्र की सरकार जाए, उसके लिए हमारा काम जारी है। मेरा अपना कहना है, आप भाजपा की मोहरा मत बनिए। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के कृत्य कराती है। झूठ चलाना, झूठ बोलना, झूठ का काम करना, यही उनका काम है। हम सब लोग एकजुट होकर सारी जातियों को साथ लेकर हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने। अच्छा ये बताओ, भगवान राम कोई अभी किसी ने नहीं लाया? भगवान राम को सब लोग पूछते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन भगवान राम की मर्यादा कहाँ से लाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? भगवान राम जैसी करुणा कहाँ से लाएंगे, प्यार कहाँ से लाएंगे? और ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नहीं है। और हम कलाकार बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग रूप में कलाकारी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा बनेगा वो स्थानीय और भारी बनेगा। अतुल प्रधान मेरठ का लाल है, मेरठ के लोगों के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है। हमारी पैदाइश संघर्ष की पैदाइश है। हमारी पैदाइश हम लोगों ने काम कर करके अपने लोगों को अपना बनाया है और मेरठ के लोग तय करेंगे कि कौन आने वाले समय पर उनका प्रतिनिधित्व करे। स्थानीय और भारी का मुद्दा बनेगा। खुद हमें पता चला है जिस पार्टी के वो चुन के आए हैं, उस पार्टी के लोगों में असंतोष है, वो सब लोग उनको हराने का काम करेंगे और मेरठ के लाल अपने भाई अतुल प्रधान को जिताने का काम करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।